बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनलीव में खुश आमदीद। आज आपको मुख्तलिफ किस्म के पकौड़े बनाने का तरीका बताऊंगी, तो चलिए शुरू करें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। दो प्याली बेसन ली है, एक प्याज लिया। प्याज को ये देखें रिंग की तरह ये निकालनी है, क्योंकि इसके रिंग अनियन बनेंगे। आलू, आलू भी ये देखें एक बड़ा लिया है, उसको बारीक शेप में या से लंबाई शेप में काट लिया। एक बैंगन, बैंगन भी बहुत बारीक काटा। ये देखें पानी में इसलिए डिप किए हैं कि ये काले हो जाते हैं, तो पानी में डिप करने से ये काले नहीं होते, ऐसे ही रहते हैं जैसा है वैसे ही कलर। चार सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ मिर्च ये देखें सेंटर से ऐसे कट कर लिए। इसके अंदर बीज हैं, क्योंकि ये मोटी वाली है और ये इतनी कड़वी नहीं होती, तेज़ नहीं होती, ये कम है। आपकी मर्ज़ी, आप इसमें बीज रखें या निकाल भी सकती हैं। खुश्क धनिया साबुत ये मैंने लिया हाफ़ टी स्पून, खुश्क धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा उसको थोड़ा सा पीस लिया हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, खुश्क मेथी 1 टीस्पून। खुश्क मेथी से पकौड़े बहुत ही मज़े के बनते हैं और इसकी अपनी खुशबू होती है। क्रश मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च पाउडर, अजवाइन 1/4 टीस्पून। सबसे पहले बेसन का पेस्ट बनाएंगे। क्रश मिर्च, ज़ीरा, नमक, अजवाइन, खुश्क धनिया, सुरख मिर्च, मेथी। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे पहले, और साथ ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाएंगे। बेसन का इस तरह का पेस्ट बनाया। बेसन जो है वो तकरीबन आधा पाव था। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक और मिर्च कम या ज़्यादा कर सकती हैं। बेसन इतना पतला होना चाहिए कि ना बहुत ज़्यादा पतला ना बहुत गाढ़ा। बर्तन में ऑयल गर्म रखा है, ऑयल गर्म होता है तो साथ ही वो पकौड़े इसमें डाल देते हैं। सबसे पहले आलू के पकौड़े बनाएंगे। ये आलू का पीस लिया, उसको ऐसे ये देखिए डीप किया, ऐसे आराम से एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। ऐसे ही आपने आराम से डालना है। जब आप इसमें पहले डालेंगी तो आपने चूल्हा तेज़ रखना है दरमियाना सा, तो फिर जब ये 1 मिनट हो जाएगा तो फिर इसको हल्का सा कर देना, ताकि ये जले भी नहीं, अंदर से गल भी जाए। अब इनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह एक साइड से फ्राई हो गए हैं। आपने इनको कच्ची हो तो पलटना नहीं है, नहीं तो सारा बेसन ऊपर से उतर जाएगा। जब एक साइड से फ्राई हो जाए तो फिर दूसरी साइड से फ्राई करना। माशाल्लाह ये देखिए दोनों साइडों से फ्राई हो गए हैं। अब इनको निकालते हैं, पहले इस पर रखेंगे ताकि सारा ऑयल अच्छी तरह से निचड़ जाए। अब बैंगन लेंगे, बैंगन को भी ऐसे ही डिप करेंगे जैसे आलू को किया। चूल्हा हल्का किया था, फिर चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर लिए, और ऐसे ही एक एक करके बैंगन के भी पकौड़े ऐसे ही बना लेंगे। अब चूल्हा थोड़ा सा हल्का कर लेंगे, फ्राई हो गया। इनकी साइड पलटेंगे, ये देखिए माशाल्लाह फ्राई हो गया अच्छी तरह से। अब ये भी माशाल्लाह दोनों साइडों से हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। ऐसे ये देखिए मिर्चों के ऊपर सबसे पहले ऐसे लगाएंगे बेसन। ये थोड़ा सा बेसन हमने निकाल लिया था, ताकि वो जो प्याज और वो हमने फ्राई करने हैं बैंगन आलू, वो पानी में डिप किए हुए हैं, और वो पानी लगने से थोड़ा सा पतला हो जाता बेसन। इस तरह से आपने सारी ही मिर्चों पर बेसन लगा देना। एक करके मिर्ची ऐसे रखते जाएंगे। एक मिर्च को मैंने थोड़ा सा काट लिया, ये देखिए इस तरह से रख दिए। अब एक साइड से फ्राई हो गई है, अब इनको पलट लेंगे ऐसे। मिर्ची के पकौड़े भी ये देखिए फ्राई हो गए हैं, जैसे पहले निकाले हैं उसी तरह हम ये भी निकाल लेंगे। अब अनियन रिंग तैयार करते हैं। अब इनको फ्राई की बारी आ गई है, ये करते हैं। ये देखें ऐसे ही आपने अनियन करना है डिप, और निकाल के उसमें डिप कर लेना ऑयल में। अब एक एक करके ऐसे रिंग डालती गई। अनियन रिंग को भी ऐसे ही पलट लेते हैं जैसे पहले पलटे थे। ये देखें ये माशाल्लाह बहुत जल्दी बन गए हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी, खाने में भी उतने ही मज़े के हैं ये जितने देखने में लग रहे हैं।
अब इनको निकालेंगे। ये तो थी आज की मज़ेदार रेसिपी जो कि आपके साथ शेयर की। बहुत ही मज़े के ये पकौड़े सारे बने हैं। आप ही बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि कैसे रहे आपकी ये पकौड़े। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।